महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान नहीं होंगे। सीएसके ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात की घोषणा की है। उन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ दी है, उनकी जगह जडेजा कमान संभालेंगे। जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा है। माही की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। चेन्नई टीम ने इस बार जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। धोनी 14 साल से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। ये पहला मौका है जब सीएसके का कप्तान बदला है। जडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, वहीं धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए मिले थे। पहले भी कयास लगाए गए थे कि जडेजा को कप्तान बनाया जा सकता है। उनके अलावा मोइन अली को 8 करोड़ और ऋतुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। धोनी ने सीएसके के लिए 213 मैचों में कप्तानी की है, टीम को 130 मैच में जीत दिलाई है। बीच में सुरेश रैना ने भी 6 मैचों में कप्तानी की थी, जिसमें से टीम ने सिर्फ 2 ही मैच जीते थे। इन दोनों के अलावा टीम का कोई भी कप्तान नहीं रहा है। चेन्नई के मैनेजमेंट ने कप्तानी में यह बड़ा फेरबदल का फैसला टूर्नामेंट के आगाज से ठीक 2 दिन पहले ही लिया है। टूर्नामेंट का पहला मैच 26 मार्च से खेला जाएगा। ओपनिंग मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच खेला जाएगा। जडेजा की कप्तानी में चेन्नई टीम इस बार अपनी खिताब बचाने और 5वां टाइटल जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद अब बहुत हद तक साफ है कि शायद ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद धोनी सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं और पिछले कुछ समय से इस टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म बहुत खराब रही है। 2020 के सीजन में उन्होंने 14 पारियों में केवल 200 और पिछले साल आईपीएल 2021 की 16 पारियों में 16.29 की बहुत ही साधारण सी औसत से 114 रन बनाए थे। धोनी को 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया था। भारत अंत में वो टूर्नामेंट जीतने में सफल रहा और वर्ल्ड क्रिकेट में लंबे लंबे बालों वाले धोनी का कद और ऊंचा हो गया। धोनी को आखिरी बार आईपीएल 2021 में कप्तानी करते देखा गया और वो टूर्नामेंट जीतने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।